लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक जरूरी सूचना, जेल से फरार चार कैदियों ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उनमें से एक कैदी मारा गया जिसका नाम मितवा है। हमारे संवाददाता को पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने पूरी चौकसी रखी है और शहर के कई जगहों पर पुलिस के जवानों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने शहर के बड़े उद्योगपति श्री बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी दी है। इधर पुलिस श्री बलवंत राय की हिफाजत में लगी है। उधर एक मशहूर अखबार ने श्री बलवंत राय को स्मगलर बताया है। बलवंत राय को स्मगलर बताया गया। देशद्रोही हूँ मैं और वो जेल से भागा हुआ खूनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। वो हद हो गई, भगवान जाने क्या होगा इस देश का। यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहता। लंदन की टिकट का क्या हुआ? मोहले, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जी मैं ये दरवाजा, क्या सोच लिया तुमने? वो मुझे मार डालेगा, वो आ जाए सारा इस दरवाजे से आकर मुझे मार डालेगा मेरे ही घर में। हाँ मार डालेगा तो मार भी सकता है, हमारी पुलिस तो सबको देख लूंगा मैं। और इस वर्षा की बच्ची को तो कोर्ट में घसीटूंगा, मानहानि का दावा करूंगा उस पर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मिस्टर राय, ये दावा आपके मान के लिए कहीं और हानिकारक न बन जाए। फिलहाल तो आपको अपनी जान की सोचनी चाहिए, जान है तो दावा भी कर सकते हैं। अब सोचना यह है मिस्टर राय कि हम आपको किस रास्ते किस रूट से ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे आपको और आपके आदमियों को थी, जबकि अजय पहले से ही वहां हमारा आपका इंतजार कर रहा था। पूरे शहर में दहशत फैली है और ऊपर से आपका यह आर्टिकल। अजय मेहरा एक खूनी है जो जेल तोड़कर भागा है और शहर में हो रहे खून खराबे का जिम्मेदार है। ऐसे खतरनाक और हिंसक अपराधी को आपने अपनी कहानी का हीरो बना दिया। ये कहानी नहीं हकीकत है मिस्टर डिसूजा, और इस सब की जिम्मेदार किसी हद तक पुलिस भी है जो एक आम आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। अजय, क्या जानते हैं आप अजय के बारे में? बस यही कि वो एक कातिल है, उसने अपने भाई का कत्ल किया है, अपने भाभी के साथ उसके ना। आई एम सॉरी मिस वर्षा, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, मैं तो। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं अजय को सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि समझती भी हूं, और मैं ही गई थी उससे जेल में मिलने 19 दिसंबर के दिन, और आज भी मिली थी। और ये आर्टिकल मैंने जज्बात में आकर नहीं बल्कि पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ लिखा है। वैसे अजय मेहरा से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, उसे गिरफ्तार करके एक तरह से मैं उसकी मदद ही करूंगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम आप भी जानती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वो फिर आपसे मिले तो आप उसे समझाइए कि वो अपने आप को, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, क्योंकि आप उसे सिर्फ जानती ही नहीं समझती भी हैं। थैंक यू। वर्षा भारती जिसने वाटी का लिखा था अजय की प्रेमिका है, वो आज भी उससे मिली थी सर। पता नहीं डिसूजा साहब ने उसे क्यों छोड़ दिया, अगर मैं होता तो उसे रिमांड में लेता और 2 मिनट में उसे सारी बातें उगलवा लेता। बेवकूफ। इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए तुम। डिसूजा का फेंका हुआ पत्ता हमारे काम आएगा, हमें भी तो अपनी गेम डिक्लेयर करने के लिए ऐसे ही पत्ते की जरूरत थी। हेलो।
हेलो वर्षा जी, मैं जो डिसूजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है कि पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी और उसमें 3 आदमी थे। उस कार का एक्सीडेंट हो गया और 3 लोग मारे गए। अब पुलिस का ऐसा शक है कि उनमें एक अजय मेहरा भी था। नहीं नहीं देखिए, पुलिस का ऐसा शक है, हम चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आकर अगर पहचान कर सके तो। हेलो हेलो हेलो, पता करो कौन से नंबर पर डायल कर रही है। सर, कमिश्नर के घर पे डायल किया है। कमिश्नर के? हेलो, मैं अजय से बात कर सकती हूँ? हेलो, बोलो वर्षा। वर्षा, हेलो, स्पीक अप वर्षा। वर्षा, अजय, क्या बात, क्या है वर्षा? अजय मैं, हाँ बोलो, अभी, हाँ, अभी फोन आया था कि तुम। ओह माय गॉड। हेलो हेलो, अजय अजय, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? चलो आसपास के सब थानों को खबर कर दो कि प्लेन क्लोज में कमिश्नर के घर को घेर ले। मैं वहीं जा रहा हूं और किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सुनो, जहां तक हो सके कोई फायर नहीं करेगा। देखो अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। अगर आपको लगता है कि बलवंत राय को मारकर हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं तो हमारे निकलते ही आप दरवाजा खोल दीजिएगा, नहीं तो सूरज ढलने के बाद। हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे बेटे। वरदा ने हमें सब कुछ बता दिया है, सिर्फ मैं ही नहीं, हर माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं कहता हूं सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे सबके सब। तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर, तुम और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। ये लो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं बलवंत राय जैसा हैवान नहीं, मैं खूनी नहीं हूं,
बेवजह किसी की जान नहीं ले सकता मैं, नहीं ले सकता। देखो अजय, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम मुझे क्या इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारा पूरा सिस्टम तो तलवे चाटता उसकी, गुलामी करता उसकी। जानते हो जिसकी हिफाजत कर रहे हो वो क्या है? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है। तुम मेरे इंसाफ की फिक्र छोड़ो इंस्पेक्टर, और जाओ अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो। लेकिन वो बचेगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। आज ही मारूंगा उसे, आज ही। वर्षा, वर्षा, आओ मिस्टर अजय, हम जानते थे कि तुम यहां जरूर आओगे। वर्षा हमारे कब्जे में है, यह तो खेल है मिस्टर अजय। कभी बाजी उधर, कभी बाजी इधर। मैंने कहा था ना शर्मा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे बहुत पछताओगे। बता वर्षा कहाँ है? महाकाली रोड पुराना राजन।